MBA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। चल करके सरकार से हम भीख के टुकड़ा मांगते रहें, ये रास्ता है। सरकार के जो लोग हैं, पैदल लोग हैं, आपके ऊपर के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो जिस जिस तरीके से आपको और विनती करते रहें, अपना मानदेय पूरा करें। हम लोग का मानदेय पूरा नहीं हो पा रहा है। काम 1800, 1500, 1800, 1200, 1700 परियोजना से पैसा मिलता है। समूह के से कहता है लोग अपना मानदेय ले लीजिए। समूह के दीदी कहती है कि हम अपना ब्याज आपको क्यों देंगे। यहाँ शौचालय सर्वे, राशन कार्ड हो गया, चाहे यहाँ मतदाता के जितना काम आता है, ऐसे जेट तक सब जीविका में देता है नीतीश कुमार, लेकिन मानदेय सबसे कम जीविका का ही। 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ तक धमकी आता है सारा जीविका स्टाफ का कि आप लोग अगर रैली में जा रही हैं तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा। तो मैं जीविका दीदी, जीविका बहने जो आज इस आंदोलन की शुरुआत की है कल से ही, मैं इन सबको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और मैं सब साफ कहना चाहता हूं कि मांगने से भीख मिलता है और छीनने से हक मिलता है। आप लोगों को लड़ना होगा, और सिर्फ भीख मंगों की तरह से मांगना नहीं है, बल्कि आपको लड़ करके अपना हक हासिल करना होगा। इन लोगों ने जो नारा लगाया कि 2000 में दम नहीं, 25000 से कम नहीं, ये बिल्कुल जायज़ है। और जितने कैडर हैं, जीविका कैडर जो एक समूह को 1200 समूहों को मिला करके जो ये लोग संचालित करती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को देखती है, कोई कृषि को, कोई जो है स्वास्थ्य को, कोई जो है बैंक को, कोई विभिन्न तरह के काम देखता है, तो एक समूह जो बनता है जिसमें 12 जो है छोटे छोटे कमिटियां होती है, उसको मिला करके उसमें लगभग 8 कैडर होते हैं। और जो एक समूह होते हैं उसके भीतर 3 अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव होते हैं। इन सारे लोगों का जो है ये मांग है, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव अपने भत्ता के लिए लड़ रहे हैं कि हमको बैठक भत्ता चाहिए, ये मांग जायज़ है। और कैडर लोग जो हैं उन लोग को मात्र 2000 रुपये मिलता है, वो भी हमने सुना है कि सरकार ने जो नया फरमान जारी किया है, एक नया कानून लेकर आया है, जिसमें कह दिया कि वो भी भत्ता अब सरकार नहीं देगी, वो भी जो मिलेगा वो आप लोग को समूह से ही इकट्ठा करना होगा। तो सीधे सीधे नाइंसाफी है। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी की सरकार तत्काल जो है इस कानून को वापस ले। ये जो है कानून सबसे पहले वापस होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ ये 2000 रुपये से काम चलने वाला नहीं है। 25000 रुपया कम से कम इन तमाम दीदियों को हर महीने भत्ता मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। ये लड़ाई है। और आज हम जीरा देवी में हैं, कल मैरवा में परसों थे, और देख रहे हैं कि धीरे धीरे जीविका दीदी खड़ी हो रही है। हम पूरे जिले के जीविका दीदियों को इकट्ठा करके जिला स्तर पर संगठन बनाएंगे, कलेक्टर के यहाँ इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो अगले दिन जो सत्र चलने जा रहा है विधानसभा का, जो इन लोगों ने मांग पत्र दिया है, पूरे बिहार स्तर पर इन लोगों को संगठित करके हमारी पार्टी भाकपा माले के नेतृत्व में जो महिला संगठन है, उसके कई जो है और भी ठेका मानदेय संगठन है, स्कीम वर्कर्स का संगठन है, आशा बहनों का संगठन है, ये आंगनबाड़ी सेविकाओं का संगठन है, और रसोईया जो 1600 रुपये में दिन भर काम करती है उनका संगठन है। उन लोगों के संगठन जिस तरह से लड़ रहा है, और लड़ने के बाद उनको भी हम लोग कुछ कुछ हक दिलवा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये अगर हमारे संगठन के साथ जुड़ करके इस लड़ाई को लड़ेंगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तमाम बाधाओं को दूर किया जाएगा, और इन लोगों का जो मांग है उसको पूरा करवा कर ही हम लोग दम लेंगे। यहाँ का जो ऑफिस में है BPM है, वो बराबर इन लोगों को धमकी देते हैं कि आप लोगों को हटा देंगे। वो तो बंदर भोड़की है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो उस आंदोलन में धमकियाँ मिलती हैं,
और उसी रास्ते से आंदोलन आगे बढ़ता है। बिना लड़े कुछ मिलता नहीं, यह जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। हम लोग गीत गाते थे तो बिन लड़े मिलता नहीं, ये जानकर लड़ने लगे हैं। और जब लड़ने लगे हैं तो जो बैठ के मलाई खाते हैं उनका छाती फटता है, तो छाती फटने दीजिए, जितना भी छाती फटे। एकदम मैं कहना चाहता हूँ कि आप 80,000, 50,000, 60,000 लेते हैं, आपका परिवार का काम चलता है और सबसे ज़्यादा काम करने वाले को 2,000 मिलता है, तो आपको तो समर्थन करना चाहिए कि इन लोगों का लड़ाई जायज़ है, इन लोगों का मांग जायज़ है और सरकार जो है इनको इनका मानदेय दे, इनके साथ इंसाफ करे। तो ये करने के बजाय धमकी दे रहे हैं, तो ये धमकी से हम कहूँगा कि डरो मत, कोई नहीं डरेगा, हम लोग हैं साथ में, जो परिस्थिति आएगी उसका मुकाबला किया जाएगा और इन लोगों की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद। में इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, खास करके जीविका के, क्या क्या मांगे हैं, आपको कितना समझ में आया और कितना जायज है इनका मांग? पहले बात तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं उनको नमस्कार प्रणाम, जीविका दीदियों को भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नीतीश जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार, और जानिए कि सबसे ज़्यादा ये महिलाओं की बात करते हैं, आधा आबादी की बात करते हैं, और विभिन्न सेक्टरों में आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी और जीविका, लाखों की तादाद पर महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं, और इनको कुछ ही पैसे पे खटवाया जाता है, कहा जाए तो बेगारी करवाया जाता है। अगर जीविका की बात की जाए तो किसी का 2,000, किसी का 750, किसी का सबसे ज़्यादा है तो 3600, किसी का 6,000 हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। और उसमें जो समूह में कोषा अध्यक्ष सचिव रहती हैं और अध्यक्ष रहती है, उनका तो कुछ भी नहीं है। यानी कि 11 तरह के कैडर हैं जिनकी ये आज है जीरादेव में प्रदर्शन। इससे पहले मैरवा में भी आप हमसे मिले थे, वहाँ तो आज 6वां दिन है, आज इन लोगों का दूसरा दिन है। तो इनकी मांगे बहुत जायज है, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ से कहते हैं कि जीविका तो मेरी रीढ़ की हड्डी है। तो नीतीश जी, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जीविका है तो भूलना नहीं चाहिए कि जब शरीर की रीढ़ की हड्डी टूट जाता है तो आदमी बेकार हो जाता है। तो ये जीविका की मांग है, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप भी बेकार होंगे और बंगाल के खाड़ी में चले जाएंगे, ये जीविका आज कह रही है, इसलिए ये मुर्दाबाद लगा रही है। इसलिए इनकी मांग कि हम जीविका हैं, हम जीविका है, कोई पहचान नहीं, तो हमको पहले पहचान पत्र दीजिए जिस विभाग में हम हैं, हमको जो जिस लेवल का काम करता है, तो वो आप मजदूरी जो लेते, जो मजदूर है उसको भी उतनी मजदूरी नहीं मिलती जितना हमको देते हैं। एक मजदूर भी जो सफाई करता होगा, किसी के घर में एक बर्तन मांजते होगा, 400-500 लेती हैं, चाहे लेते हैं, पर इनको क्या मिलता है? 2,000 से जोड़ लीजिए, 66 रुपया, किसी का 40 रुपया, किसी का 25 रुपया, जिस तरह से आप रसोईया का देखिए 50 रुपया रोज का। तो ये हालात है, तो जीविका का तो मांग जायज है कि 25,000 रुपये मानदेय दीजिए, जो कोषा अध्यक्ष सचिव और जो अध्यक्ष है उनको कम से कम बैठक की भत्ता 500 रुपये दीजिए जब जब बैठक हो, और साथ साथ पहचान दीजिए। इनका मांग 100 में 100 जायज है, आज इनका दूसरा दिन है और ये लड़ाई बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है, ये लड़े हम इनके साथ हैं, तमाम सीमान की जो भी जीविका है उनके साथ है, हम लोग जिला लेवल का ढांचा बनाएंगे बिहार लेवल के, और एक दिन धमाका करेंगे पटना के, मुख्यमंत्री को घेर लेंगे जब तक की मांगे पूरी नहीं होंगे। ये लोग बाहर घेरेंगे, हमारे विधायक अंदर घेरेंगे, और जब तक मांगे पूरी ना हो हमारी लड़ाई संघर्ष जारी रहेगी। सोहिला गुप्ता, एपवा के राज्य अध्यक्ष।